अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको रोस्ट चिकन बनाना सिखाएंगे, सब्जियों के साथ रोस्ट करेंगे। और इसको आप वैसे नॉर्मली रोस्ट चिकन, फुल चिकन ऐसे होता है, इसको हमने आज फ्लैट कर दिया है। इसको स्पैच कॉक या बटरफ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। बीच में की हड्डी तोड़ के ऐसे कर दें फ्लैट, तो वो जल्दी पक भी जाता है। इसके अंदर आप कुछ स्टफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अराउंड हम सब चीज़ें डालेंगे, मसाले, नींबू वगैरह सब कुछ, और सब्जियां और गर्म पानी, और उसको हम रोस्ट कर देंगे अवन में। मैंने यहाँ दो बड़े आलू लिए थे, उनको वेजेस में काट लिया था, और बस 5 मिनट के लिए मैंने उनको ब्लांच होने के लिए गर्म पानी में डाल दिया है। और आलू के जो वो है ना स्किन, वो मैंने रखी हुई थी, ठीक है। स्किन के साथ अच्छी तरह धो लीजिएगा, स्किन के साथ ये कर दिया है। अब मेरे पास मीठा आलू भी एक है, स्वीट पोटैटो, उसको भी इस तरह फिंगर्स में काट लिया था, ठीक है। और उसको भी हम ब्लांच कर देंगे, इस गर्म पानी में डालेंगे और निकाल देंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा। सो सब्जियों में आप गाजर ले लें, कुछ भी, एनी रूट वेजिटेबल गोज नाइस विथ अ रोस्ट। ओके, अब इसमें हम चीज़ें क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट रेसिपी हमारी होगी हलवा, जो कि सब हर रोज़ हलवा कर रहे हैं, लेकिन ये वो वाला हलवा है जो हम टाहिनी के पेस्ट के साथ बनाते हैं। इसको पकाना वकाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग है, और लेयर करके रख दीजिए डिश में। नीचे पहले अखरोट होंगे, फिर ये हलवा होगा, उसके ऊपर दोबारा अखरोट होंगे, और बस आप उसको फ्रिज में ठंडा करिए। दूसरे दिन आप काट के उसको सर्व करेंगे, तो नीचे अखरोट, बीच में हलवा, और ऊपर अखरोट क्यूब्स में आप काट सकेंगे, ठीक है। कल तो हमारी छुट्टी है, सैटरडे संडे हमारा नहीं शो होता है फूड डायरीज़ लाइव, तो आपको फिर मैं आई थिंक रख जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पीर को। सो दैट्स आर हलवा, बट ये हलवा HALVA वाला हलवा होता है, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं वैसे कितने हलवे करा चुकी हूँ, तो ये इस तरह भी करूँगी। कल हमने सूजी का और गाजर का किया था, पहले दिन हमने चॉकलेट का हलवा किया था बिकॉज वी हैड टू यूज़ सम कोको पाउडर वगैरह। फिर मैंने क्या किया था, पम्पकिन का लाल कद्दू का हलवा सिखाया। इस तरह वी हैव डन ऑल दीज हलवाज। सो आई होप आप भी ट्राई करेंगे बिफोर द सीज़न गोज आउट, सर्दियों में ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ रोस्ट चिकन में ये है कि आपको उसको ब्राइन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुबह में क्या किया था, चिकन आप मंगाएं, स्किन के साथ हो तो बेहतरीन रोस्ट में बनता है, ठीक है। नहीं मिले, स्किन के बगैर हो तो कोई बात नहीं, स्किन के बगैर करिएगा। क्या फ़ायदा होगा स्किन के साथ चिकन को पकाने का, स्किन इसको मॉइस्ट रखेगी, इसके गोश्त को सूखने नहीं देगी, ठीक है। और आप स्किन को थोड़ा सा काट के अंदर भी चीज़ें स्टफ़ कर सकते हैं, लेमन या गार्लिक या कुछ भी। तो नॉर्मली ऐसे ही सारे स्पाइसेस होते हैं, आप लहसुन भी डाल सकते हैं, नींबू के स्लाइसेस भी बीच में रख सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। और इसको ब्राइन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहती हूँ ब्राइन करना, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक पूरा दिन आप एक बड़ा पतीला या बोल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, 4 से 5 टेबलस्पून सिरके के डाल दीजिए, और ये पूरी चिकन उसमें भिगोए, सोख हो अंदर तक, ठीक है। पूरी सोख होगी तो आराम से फिर इसको, ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ, इसका मीट का थोड़ा सा कलर भी आपको चेंज लगेगा, ठीक है। सो दैट दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। और आज हम इसको फ्लैट, ऐसे चिकन है उसको हम रोस्ट कर देंगे। सो मैंने इस तरह किया है, जस्ट समथिंग डिफरेंट। आप पूरा फुल रोस्ट चिकन गोल वाला भी कर सकते हैं, उसके बीच में पके हुए चावल भर सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, पूरा लहसुन का जवा रख सकते हैं, पूरा लेमन रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चिकन को मैरिनेट करना है। मैं एक दफ़ा इसको धो देती हूँ दोबारा, और फिर हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे ना वो मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे शो पे दस्तकार का, जैसे मैंने आज कुर्ता पहना है वैसे कुर्ते दे रहे हैं वो पूरा हफ्ता, बिग थैंक यू टू देम, वो है। और उसके अलावा मेरे पास आज है एनेक्स का गिफ्ट भी देने के लिए, तो अगर आपको जीतना है तो आप 888-1 पे मुझे बताएंगे चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखेगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखेगा। दस्तकार का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए आज। ओके, चले अब चिकन को आपने जिस डिश में बना रहे हैं उसी में हम रख देंगे, ताकि इट्स ईजियर, मसाला कोई वेस्ट ना हो। कोई भी पायरेक्स का डिश ले लीजिएगा। पानी मैंने एक कप से जितना गर्म पानी मैंने यहाँ रख दिया है, और ये तो मैं हटा देती हूँ। अब मैं आलू जो है ना, मीठा आलू और आलू, उसको भी मैं ड्रेन आउट कर देती हूँ, ठीक है। इसको एटलीस्ट 1 घंटा आप बॉईल करेंगे, बेक करेंगे अवन में, क्या बोल रही हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि ये पहले ही हम स्टार्टिंग में ही कर लें ये काम, ताकि फिर हमें टाइम मिले, 1 घंटा हमें मिले, ठीक है। सो चिकन
सबसे पहले आप ऑलिव ऑयल लगा दीजिए इसमें, फिर आप क्या क्या चीज़ें लगाएंगे देखें। ये पेपरिका पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है और लहसुन का पाउडर है और मिक्स ड्राई हर्ब्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको चिकन पे लगा के इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। और आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लगा दीजिए। स्टफ़ अगर कर रहे हैं, पूरी फुल राउंड चिकन है, तो उसमें आप लेमन डालिए, रोजमेरी, थाइम वगैरह डालिए। तो मैं, चूँकि हम स्टफ़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसी में सब कुछ मिक्स कर दूँगी। ओके, सो हियर वी गो। चिकन पे अच्छी तरह पहले हम गार्लिक पाउडर डालेंगे, फिर हम नमक डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें, आई यूज़ माई हैंड्स टू रब इट इन, ठीक है। और ये है रोजमेरी, कांटा जैसी होती है ना, ये कांटा कांटा टाइप, ये है अच्छा। और पेपरिका है, पेपरिका से बहुत अच्छा कलर भी आएगा। ओके, सो नमक है, पेपरिका है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, लहसुन का पाउडर है, ड्राई हर्ब्स हैं और ऑलिव ऑयल है। इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरह रेडी रखूंगी, फिर हम ब्रेक से आएंगे तो फिर इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें वेजिटेबल्स साथ में रख देंगे, अगर जगह नहीं है तो मैं दूसरे डिश में वेजिटेबल्स रख दूंगी और उसके बाद हम इसको रोस्ट करने रख देंगे, बिकॉज इसको 1 घंटा चाहिए। फिर आके हम आराम से हलवा बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है दस्तकार का गिफ्ट हैम्पर, जैसे मैंने कुर्ती पहनी है वैसे, तो आप मुझे 888 पे चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम SMS करिएगा, ठीक है। 8881 इस नंबर पर SMS करिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ओके, मैंने मसाले लगा के रख दिए हैं, आप लोग इसको मैरिनेट होने दीजिएगा, ठीक है। अब सब्जियों में आप क्या क्या डालेंगे, मैं जो सब्जियां यूज़ कर रही हूँ, मैंने मीठा आलू लिया था 1 अदद और 2 अदद मैंने आलू लिए थे, गर्म पानी में डाल के निकाल दिया था कि थोड़ा सा ये ब्लांच्ड हो। अब इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, कैरोवे सीड्स आप डालें, शाही ज़ीरा डालें, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मिक्सड हर्ब्स थोड़े से आप इसमें डालिए, फिर आप कुटी हुई काली मिर्चें डालिए, थोड़ा सा तो स्पाइस अप करना है ना सब्जियां, वरना प्लेन लगेंगी। और नमक डालिए और उसके बाद आप इसमें यहाँ लेमन जूस डाल दीजिए, आप जितना चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो नाउ ऑलिव ऑयल डालेंगे हम सब्जियों पे भी और इस पे भी, चिकन पे भी, ठीक है। काफ़ी सारा ऑलिव ऑयल में ये रोस्ट होगा और चिकन को मैं टर्न कर दूंगी, टर्न करके इसको रखना है हमने, ठीक है। और ऑलिव ऑयल आप इस पे भी रब कर दीजिए अच्छी तरह, दैट्स इट। अब हम गरम पानी डालेंगे, जस्ट वाइप माई हैंड्स। एक कप खोलता हुआ गरम पानी होना चाहिए। आई थिंक आई कैरी द वाटर देयर, वहां से वहीं मैं डाल दूंगी। सब्जियां, और सब्जियां तो रोस्ट हो जाएंगी इसमें, मुझे इसको नीचे रखना पड़ेगा बिकॉज ऊपर हम चिकन रखेंगे। चिकन के डिश में आप पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये पानी जा रहा है इसमें, थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूँ इसको, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी इट, पानी डाल के नहीं होगा। और अगर पानी हाफ वे थ्रू कम हो जाएगा तो हम और डालेंगे पानी इसमें, बस अब इसको आप भूल जाइए, होता रहेगा ये,
ठीक है, कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया था, एक फुल होल चिकन लीजिएगा या इसको ऐसे फ्लैट करा दीजिएगा या उसको पूरा फुल होल रहने दीजिएगा। उसको आप पानी में सिरका डाल के ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट छोड़ दीजिएगा। फिर वो पानी फेंक दीजिएगा, चिकन को अच्छी तरह धो दीजिएगा। कुछ लोगों को क्रिस्पी स्किन अच्छी लगती है तो वो उसको एक साफ़ किचन के टावल से पोंछ लीजिएगा ताकि स्किन ड्राई हो जाए। फिर आप मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। पेपरिका पाउडर मैंने लिया था, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक, लहसुन का पाउडर था, मिक्स्ड हर्ब्स थे और ऑलिव ऑयल था। सब कुछ मिक्स करके चिकन पे लगा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्किन के नीचे भी लगे तो स्किन को थोड़ी एक तरफ से स्लिट कर दीजिएगा और फिर उसके अंदर भी हाथ से अच्छी तरह आप मैरिनेट कर दीजिएगा। सब्ज़ियाँ आपको जो भी लगानी यूज़ करनी हो, मैंने रूट वेजिटेबल्स में सिर्फ आलू लिया था और मीठा आलू लिया था, ठीक है। और उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे, नमक है, काली मिर्चें हैं, शाही ज़ीरा है यानी कैरबी सीड्स और दैट्स इट, ऑलिव ऑयल। मिक्स करके उस सब्ज़ियों को पकने दीजिएगा। एक कप पानी गर्म कर लीजिएगा, बॉइलिंग सा हो, तब उसमें चिकन में आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है जी। और स्टफ़ अगर कर रहे हो तो लेमन जूस डालिएगा, थाइम है, रोज़मेरी है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानक जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान आपको और आपकी पूरी टीम को, जुमा मुबारक हो जी, आप सबको भी हो, थैंक यू। और कुछ और सवाल का जवाब दे दें जी। चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन का सालन, चिकन बिरयानी, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। और मुझे मुझे एक वाई फ्लाई कुर्ती चाहिए। क्या चाहिए? कुर्ती, वाई फ्लाई, दस्तकार की कुर्ती चाहिए जी। जी, अब देखते हैं कौन जीतता है ना जी। दो तो आपका एहसान होगा बड़ा। मेरा तो एहसान की बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ सारे मेरे कॉलर्स जीते हैं कुछ, लेकिन सब कुरानदाजी होती है एट द एंड ऑफ द शो, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। आज मेरा नाम जरूर निकले, ये आप दुआ करें, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमें पूछ सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अब हलवे की तरफ आ जाते हैं। ये हलवा जो है ताहिनी से बनता है। ताहिनी वही है ना जो हम हुमस बनाने के वक्त यूज़ करते हैं। अब देखें, ये जो है ये एक कप ताहिनी होना चाहिए। डब्बे में से अच्छी तरह मिक्स उसको करिएगा, बिकॉज पानी वो उसका जो ऑलिव ऑयल होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छी तरह डब्बे से मिक्स करके लीजिएगा इसको। फिर मेरे पास यहाँ एक कप ड्राई मिल्क पाउडर है, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। आधा कप अखरोट है, वेनिला एसेंस है और ये एक कप आइसिंग शुगर है जो छान के आपने यूज़ करना है ताकि लम्ब्स ना हो। अब इसको पकाना भी नहीं है, हमने सिर्फ ताहिनी के साथ मिल्क पाउडर को और चीनी को मिक्स करना है, दैट्स इट। आइसिंग शुगर है, ठीक है, और फिर दैट्स इट, रियली दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक कप ताहिनी पेस्ट है, एक कप ड्राई मिल्क पाउडर है, एक कप आइसिंग शुगर है छनी हुई, एक टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे और ऑयल से हम ब्रश कर देंगे डिश को, फिर नीचे अखरोट, बीच में ये हलवा, ऊपर अखरोट, एंड दैट्स इट। इतना आसान है, नो कुक हलवा है ये। इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा सा, मुख्तलिफ सा होता है। इफ़ यू डेवलप अ टेस्ट फॉर दिस हलवा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ताहिनी के पेस्ट का हलवा। सिर्फ हम हुमस नहीं बनाते हैं, देखें बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? आप ही रिदा नहीं हूँ, जारनक हूँ। मुझे लगा रिदा आपकी का प्रोग्राम। नहीं, रिदा का तो 3:30 बजे शो खत्म होता है तो मेरा शुरू होता है। अच्छा जी, सॉरी, कोई बात नहीं, बोले जी। आज हमने मैं ठीक हूँ, आज हमने सवाल रखा है चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। दस्तकार की बहुत प्रिटी कुर्ती है आपके लिए। अच्छा अच्छा, चिकन से जी, चिकन चिकन रोस्ट होता है, चिकन रोस्ट होता है, ढाका चिकन बनता है, चिकन कढ़ाई होती है, चिकन का कोरमा बनता है, वाइट कोरमा बनता है। ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगी? अच्छा चलिए, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप देखते रहिए फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और रोस्ट चिकन अवन में जा चुका है वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है, और हम बना रहे हैं अब हलवा, इसको हलावा भी कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, विल जस्ट पुट सम, इसमें हम बना रहे हैं इस डिश में, तो इसको थोड़ा सा आपने पहले ग्रीस करना है, ठीक है, फिर आप इसको रख दीजिए और चीज़ों को बस मिक्स करना है, वेरी वेरी सिंपल, कुछ पकाना वकाना है ही नहीं। मगर सबसे पहले आपने नीचे थोड़े से
डालने हैं अखरोट, ओके। फिर आप लेंगे एक कप ड्राई मिल्क पाउडर, उसमें आप डालेंगे एक कप आइसिंग शुगर जो सिफ्ट की हो, यानी कि छनी हुई हो, छानना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है, ये हुआ। फिर आप इसमें डालेंगे ताहिनी एक कप, ताहिनी के बॉटल को, डब्बे को, जो उसका जार आता है, इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा, ऊपर नीचे करिएगा, फिर डालिएगा, बिकॉज क्या होता है फिर वो नीचे पूरा बैठ जाता है, ऊपर सिर्फ ऑलिव ऑयल रहता है। एक कॉलर हैं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जरना खान? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोगों की दुआएं हैं कि आप सारे कॉलर बिल्कुल ठीक रहते हैं आपके। थैंक यू जी, और आपको याद करते रहते जी, थैंक यू सो मच, फरमाइए। एक तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आई होप कि मैं ये वेजिटेबल स्लाइसर या जो भी है, नहीं हम दस्तकार का गिफ्ट हैम्पर कपड़ा दे रहे हैं, कुर्ती दे रहे हैं, चलें कुछ भी है, आपकी तरफ से जो भी मिलता है खुशी होती है। थैंक यू, काफी टाइम के बाद मैंने कॉल किया आपको। जी बोले। चिकन टिक्का है, चिकन चरगा है, चिकन विंग्स होते हैं, चिकन नगेट्स हैं, चिकन बिरयानी, कोरमा, चिकन से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं जी, चिकन बर्गर है। थैंक यू, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। ओके, अब हम डालेंगे इसमें वेनिला एसेंस, एक कप ताहिनी का पेस्ट, ठीक है, एक कप हम डाल चुके हैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, और एक कप है इसमें छनी हुई आइसिंग शुगर। अब इसमें एक टीस्पून जितना आप डालेंगे वेनिला एसेंस, और बस स्टोरी ख़त्म। कितना आसान था ना, बस आप इसको मिक्स करिए अच्छी तरह, आप लोगों का कौन सा फेवरेट हलवा था? मैंने चॉकलेट का, बादाम का, सूजी का, गाजर का, लाल कद्दू से ये पूरा हफ्ता ये हलवे बनाना सिखाए हैं, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो फिर हम थोड़ा सा और इसमें डालेंगे ताहिनी का पेस्ट, जस्ट टू मिक्स इट अप। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मेरे ओवन में ये फैसिलिटी है कि ऊपर और नीचे का ऑन होता है, ये दिखाइएगा फंक्शन, ऊपर और नीचे का, ठीक है, तो मैंने ऊपर और नीचे का दोनों का ऑन किया है। अगर आपको लगे कि आपकी चिकन का की जो स्किन है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो रही है और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी, तो फिर आप ऊपर वाला बंद कर दीजिएगा ऑप्शन, आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि अच्छी सी स्किन का कलर रोस्ट चिकन का बहुत अच्छा आना चाहिए। नज़र आ रहा है चिकन इज स्टार्टेड टू ब्राउन ऊपर से, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रही है, तो आप या तो एक फॉइल का टुकड़ा ऊपर रख सकते हैं एज अ टेंट, या फिर आप ऊपर वाला जो है फंक्शन उसको बंद कर दीजिए और नीचे का ही होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह, थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ है एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जन्नत आपकी, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई है जी, दूसरी बार। जी जी बोले, मैंने एक सवाल का जवाब देना है जी। चिकन मलाई बोटी, ओके, चिकन रेशमी कबाब, मुर्ग मसलम, चिकन तवा कीमा, ठीक है, और चिकन हरियाली चिकन, चिकन शवारमा, चिकन वेजिटेबल कबाब, तंदूरी चिकन बर्गर, बस बस ठीक है। काफी प्लीज मुझे विन कीजिएगा और मेरा नंबर ले लीजिएगा प्लीज। मेरी बात सुने, मैं तो चाहती हूँ सब लोग जीते हैं, आप देखिए ना किसका लक है आज, मुझे क्या पता। जनता पे मेरी फर्स्ट बेबी बेटी की मार्च को बर्थडे है, मैं उस पे पहनूंगी। मुझे पता है, आपने कल भी ये बताया था, उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और देखते हैं गिफ्ट कौन जीतता है जी, मुझे नहीं मेरा पता। नंबर ले ले प्लीज। ऐसे नंबर कैसे लूं, पहले जीतेंगी तो नंबर लूंगी ना, आप मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स, इसीलिए मैंने पहले सिर्फ एक कप डाला था, लेकिन बाज़ वक्त यू नीड मोर, पहले से नहीं डाल दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है, फिर बहुत वाटरी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इसकी इसी तरह होनी चाहिए। अखरोट या पिस्ते जो भी डालना है, मैंने अखरोट डाले हैं, फिर आप ऊपर ये रखिए उसके ऊपर, और फिर आप ऊपर से दोबारा और अखरोट डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसलिए मैंने कहा था कि आइसिंग शुगर को छान लीजिएगा, छनी हुई होगी ना तो लम्प्स नहीं आएंगे, और इसमें बिल्कुल कुछ पकाना है ही नहीं।
ठीक है, इस तरह का स्टार्टेड टू कम थ्रू, थोड़ा सा और जाएगा। ये बेसिकली ऑलिव ऑयल और तिल का पेस्ट है। बहुत ज़्यादा तिल को, सेसमी सीड्स को अच्छी तरह ग्राइंड करके प्रोसेसर में, फूड प्रोसेसर में जब ये करते हैं तो ये इस तरह का पेस्ट निकलता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि आई वॉन्ट कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो जाए। जस्ट मिक्स दिस अप। आप शवारमा सॉस में भी डाल सकते हैं, ताहिनी को हुमस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाना सिखाई हैं आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि बस जो चीज़ हो उसी को बनाएं, आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, पर नॉर्मली लोगों को ताहिनी से हुमस ही अच्छा लगता है। अच्छा, कल परसों हफ्ता इतवार मेरा शो देखिएगा, गेट सेट कुक बाय डॉलन्स। उसमें डॉलन्स के अप्लायंसेस यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो रेसिपीज़ मिस आउट नहीं करिएगा, प्लीज़ देखिएगा 12:30 बजे किरण के शो के बिल्कुल फ़ौरन बाद, और शाम को 7 बजे हमारे मसाला टीवी पे, और हम न्यूज़ पे भी ये चलेगा दोपहर में 1:30 बजे, नहीं शाम को 7 बजे और सुबह में 6:30 बजे। सी दिस हैज़ कम टुगेदर ना, इस तरह का होना चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए जी। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ? जी जरूर। चिकन से तो बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, चिकन ब्रोस्ट बनता है, चिकन कोरमा बनता है, कढ़ाई बनती, नगेट्स बनते हैं जी, बिल्कुल, बर्गर बनते हैं, सैंडविचेस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, बस इसको हमें प्रेस डाउन करना है। आप लोग आएंगे, आपके सामने हम इसके ऊपर अखरोट डालेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है दस्तकार, क्या ये जैसे मैंने कुर्ती पहनी है वैसे एक कुर्ती है आप लोगों के लिए गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे यानी 8881 इस नंबर पे मुझे आप SMS करके बताइएगा चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ये सेट हो गया पूरा, इसको लेवल आउट कर दीजिएगा और फिर आप उसके ऊपर और मज़ीद अखरोट डाल के ऐसे प्रेस डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, बस ये सबसे आसान तरीन हलवा जो मैंने आपको बनाना सिखाया, घर में अगर पड़ा हुआ हो आपके पास ताहिनी और आप हुमस खा के थक गए हों तो ये बना लीजिएगा, इसको ठंडा कर लीजिएगा, फिर आप इसके स्क्वायर्स काट के निकाल के रख दीजिएगा, स्टोरी ख़त्म। ठीक है जी, ट्राई करिएगा। ओके, इसमें पिस्ते भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, मैं क्या बना रही हूँ अगले हफ्ते फूड डायरीज़ में, हम 3:30 से 4:30 लाइव हैं और रात में 12 बजे और सुबह अगले दिन 9:30 बजे शो रिपीट होता है। हफ्ता इतवार को भी मेरा शो रिपीट होता है, देखिएगा ज़रूर। मंडे को हम चिकन छोले बना रहे हैं, माई स्टाइल श्रीखंड बनाएंगे हम, और हम चॉकलेट बटर मिल्क स्क्वायर्स बनाएंगे, बहुत मज़े की रेसिपी है तो ये इसको मिस नहीं करिएगा। ट्यूसडे को हम क्या बना रहे हैं मुझे अभी नहीं पता और वैसे हम कलेजी कढ़ाई और पंजीरी बना रहे हैं। वेनसडे को ब्रेन मसाला है और दूध पाक है। ठीक है, थर्सडे को हम, और फ्राइडे को, दो दिन हम बहुत ही मज़ेदार सी गुजराती क्विजीन से ला के कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएंगे जो सारी चीज़ें आपके घर में होंगी, नाम सिर्फ अलग से हैं। बरदोलिनी खिचड़ी, खिचड़ी तो आप सब खाते हैं घर में, लेकिन बरदोली एक जगह है उसकी स्पेशलिटी है, वो बनाएंगे और हम दाल ढोकली बनाएंगे। ठीक है, वो क्या होता है, दाल पकेगी और जैसे एक आटा सा बनता है उसके स्क्वायर्स कटेंगे या फिर उसके डायमंड शेप्स कटेंगे और वो दाल में डालते हैं हम। वो बासुंदी हम बनाएंगे यूजिंग कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल शरीफा, उसका पल्प। ठीक है, फ्राइडे को हम सुरती सेव खमनी बनाएंगे, फाफड़ा बनाएंगे और फाफड़े की चटनी बनाएंगे। सो ये दो दिन तो आप ज़रूर शो देखिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। आज लज्जत में 5 बजे लाइव समीना जलील और अबील खान आएंगे और क्रीमी चाट, कस्तूरी दूध और तवा कलेजी बन कबाब बनाएंगे। एक कॉलर हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, जुमा मुबारक। जी आपको भी, थैंक यू। और सारे हफ्ते आपने अच्छे अच्छे हलवे बनाए, थैंक यू। कुछ ट्राई करिएगा, कद्दू का हलवा इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा। ओके ठीक है, जरूर।
सवाल का जवाब दूंगा जी। जी, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, चिकन आलू सालन, चिकन पकौड़ा, चिकन मसाला। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। चिकन की तरफ चलते हैं, उसी को देख लेते हैं बिकॉज अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने अवन खोला था और मैंने टर्न कर दिया था डिश को बिकॉज पीछे से ब्राउन हो रहा था, आगे से नहीं हो रहा था। सो मेक श्योर जब भी ऊपर और नीचे दोनों का हो तो इसका मेक श्योर करें कि ऐसा नहीं हो कि वो कच्चा रह जाए, ऊपर से ब्राउन हो जाए। सो ये देखें पक रहा है, सब्जियां भी पक रही हैं और जो ये पानी है वो इसी को इसी तरह रहने दीजिएगा। अच्छा, अगर आपको इसके साथ एक सॉस बनाना है, मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, एक घंटे तक तो ये पकेगा। ये जो इसका लिक्विड है, जो इसका जो स्टॉक निकलेगा पानी के साथ मिलके मसालों के साथ, उसको आप चूल्हे पे पका सकते हैं, ठीक है। और गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं और एक छोटे सॉस बोट में या बोल में साथ रख दीजिएगा। तो चिकन को जब अवन में से निकालते हैं, रोस्ट चिकन को काव करते हैं, लिखा है मैंने काव 15 मिनट के बाद करते हैं, 15 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको पतली छुरी से और शार्प छुरी और एक कांटे के साथ काव कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये आप इसको चार टुकड़ों में भी काट सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक टू डू। मैंने इस चिकन को बटरफ्लाई कर दिया था, यानी बीच में की हड्डी को फ्लैट ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे बटरफ्लाई, इसको कहते हैं बटरफ्लाई, प्रॉन्स को भी हम बटरफ्लाई करते हैं ना, इसी तरह इसको स्पैच कॉक करना भी कहते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज भी मैं आपको साथ साथ सिखाती हूँ ना, कुकिंग सब मुझे कहते हैं, मैं टीचर हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, टीचिंग तो मैंने कभी की नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जन्नत, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जी, आपने तो चिकन से आप और दूसरे सारे शेफ ने बहुत सारी रेसिपी सिखाई है हमें जी। जिसमें लेकिन चिकन में तो आम, अगर घर में भी देखो तो घर की तो आम हर चीज ही चिकन से बन जाती है। चिकन में आप सब्जी डालें, खाली चिकन बनाएं, इसको रोस्ट करें, बिल्कुल सैंडविच बन, जी जी सैंडविचेस बनाएं, सीख कबाब बनाएं, टिक्के बनाएं, नगेट्स बनाएं, ये सब इसमें बनते हैं चिकन। घर में अगर घर घरेलू रेसिपीज देखें तो चिकन आलू बना दें, चिकन मटर बना दें, अब तो सब्जियां बहुत मटर आए हुए हैं, खाली चिकन बनता है, चिकन रोस्ट करा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बेशुमार रेसिपीज है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कप मैंने ताहिनी का पेस्ट लिया था, एक कप ड्राई मिल्क पाउडर, एक कप आइसिंग शुगर छान के, एक टीस्पून वेनिला एसेंस, ठीक है। और एक छोटा डिश लिया था, उसको ग्रीस कर दिया था, तेल लगा के ऑलिव ऑयल लगा लीजिएगा, उस पर आप थोड़े से अखरोट डाल दीजिएगा, फिर बीच में ये हलवा का मिक्सचर। मैंने एक से डेढ़ कप ताहिनी का पेस्ट लगा था क्योंकि मुझे लगा था पहले कि ज़्यादा सूखा नहीं हो, इट हैज़ टू बी पेस्टी, ठीक है। और जब पेस्ट सा हो जाए, बिल्कुल आप चमचा भी ना चला सकें, गाढ़ा इतना हो जाए, फिर आप उसके ऊपर बिछा दीजिएगा, उसके ऊपर और मज़ीद अखरोट डाल दीजिएगा और ठंडा होने दीजिएगा। सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर टुकड़े काट के आप सर्व कर सकते हैं। और अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो रोस्ट चिकन को मैं एक दफ़ा फिर रिकैप कर दूंगी। आप देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इन एक दस्तकार की तरफ से कुर्ती, जैसे मैंने पहनी है वैसे, थैंक यू टू दस्तकार फॉर गिविंग अस 5 कुर्तीज दिस होल वीक। तो आप मुझे क्या करेंगे, 8881 पे SMS करेंगे और बताएंगे मुझे चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। रोस्ट चिकन, अज्जा साबित चिकन एक अदद, नमक 2 चाय के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मिक्स खुश्क हर्ब 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल 2.5 खाने के चमचे। स्टफिंग के लिए लीमू एक अदद, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा। रोस्टेड वेजिटेबल्स के लिए आलू वेजेस 2 अदद, शकरकंदी वेजेस 1 अदद, नमक 1/2 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अजवाइन 1/2 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1.5 खाने का चमचा। रोस्टिंग के लिए गर्म पानी 1 कप। तरकीब, चिकन को पकाने से पहले पेपर टॉवल से खुश करके रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट रख दें। उसके बाद एक बोल में पिसा गर्म मसाला, नमक, काली मिर्च, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, खुश्क हर्ब और जैतून का तेल मिक्स करके ऊपर से नमक और काली सीजनिंग कर दें। अब चिकन को जैतून के तेल के मिक्सचर से तमाम साइड से कोट कर लें और लेग्स को बांध दें। उसके बाद सब्जियों पर नमक, काली मिर्च, अजवाइन और जैतून के तेल से ड्रिजल करके कोट कर लें। उसके बाद चिकन में एक अदद कटा हुआ लीमू, रोजमेरी और थाइम डालकर चिकन को बेकिंग डिश में रखें। फिर सब्जियों और 1 कप गर्म पानी डिश में डालकर पहले से गर्म किए हुए अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 60 मिनट बेक करें। आखिर में 15 मिनट के बाद कावेंग करके सर्व करें। हलवा, अच्छा ताहिनी पेस्ट 1 कप, खुश्क दूध 1 कप, आइसिंग शुगर 1 कप,
वनीला एसेंस एक चाय का चम्मच, अखरोट चॉप्ड आधा कप, तेल ब्रशिंग के लिए। तरकीब, ताहिनी पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करके गुठलियाँ खत्म कर दें और इसमें वनीला एसेंस, खुश्क दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें एक चौथाई कप अखरोट डालकर मिक्स करें। उसके बाद कंटेनर को तेल से ब्रश कर लें, फिर अखरोट को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्सा ऊपर छिड़कने और दूसरा कंटेनर के नीचे डालने के लिए। उसके बाद हलवे का मिक्सचर कंटेनर में डालकर ऊपर से चॉप्ड अखरोट डालें और ढककर रात भर रख दें। फिर स्कूप से कंटेनर से निकालें और पेपर पर रखकर स्लाइस में काटकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ जो आलू हो गए हैं हमारे, उसको रख रही हूँ जस्ट फ्यू ऑन द साइड, ठीक है। उप्स। और आप इसी तरह इसको सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। हलवा इज़ रेडी, ठंडा हो जाए क्यूब्स में काट लीजिएगा। चिकन की जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो गई है रोस्ट, और चिकन को आप नाइफ़ से पोक करके देखिएगा कि बिल्कुल इसके जूसेस जो हैं वो क्लियर रन होने चाहिए, ठीक है। लाल इसमें से कुछ वो नहीं हो। और ये जो इसका सॉस है ये ऊपर डालते रहिएगा, या इस सॉस को आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं। आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें बड़ा बड़ा काट के, पूरे लेमन के स्लाइसेस रख सकते हैं। मैंने जो चीज़ें इसमें डाली थी, मैं एक दफ़ा फिर झटपट रिकैप कर दूँ अगर आपने मिस किया हो तो। एक पूरा चिकन लिया था हमने, ठीक है, और उसको मैंने फ्लैट करवा दिया था, यानी कि उसको बटरफ्लाई या स्पैचकॉक करना कहते हैं, वो करके फिर मैरिनेशन में मैंने नमक, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर, लहसुन का पाउडर, मिक्स ड्राई हर्ब्स और ऑलिव ऑयल डाला था। आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा 3-4 घंटे, या ओवरनाइट हो तो बेस्ट है। उससे पहले मैंने ब्राइन किया था, यानी पानी लिया था बहुत सारा एक बड़े बोल में, उसमें नमक, उसमें मैंने सिरका डाला था सॉरी, और उसके अंदर ये चिकन को छोड़ दिया था। फिर चिकन को निकाल के धोइएगा। मैंने स्किन के साथ चिकन को यूज़ किया है, रोस्ट चिकन में वो बेहतरीन रहता है बिकॉज अंदर का गोश्त जो है वो ड्राई आउट नहीं होता है। फिर लेमन, रोजमेरी और थाइम भी मैंने डाला था। आलू और मीठा आलू एक लिया था, उसको मैंने गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर दिया था कि जल्दी से सब्ज़ी हो जाए, और नमक और ऑलिव ऑयल, काली मिर्चें और शाही ज़ीरा डाला था, दैट्स इट। और इसके सॉस के लिए मैंने 1 कप गर्म पानी इसमें डाला था। तो इसी की भाप में चिकन अच्छी तरह हो गया है, और आप इसको इसी तरह सर्व करिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी पीर को, ठीक है। वैसे सैटरडे संडे हफ्ता इतवार देखिएगा गेट सेट कुक बाय डॉलन्स का शो भी, और फूड डायरीज़ के सेट पे आप और मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अब मंडे टू फ्राइडे और 3:30 से 4:30 लाइव हैं रात में 12 बजे, और दूसरे दिन 9:30 बजे शो रिपीट होता है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे। ओ या विनर, विनर, यस, कायनात हैं खानेवाल से। आपको मुबारक हो, और आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दस्तकार की जो कुर्ती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो कीप योर फ़ोन ऑन, और आपसे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी ली जाएंगी। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।